ये CVZ स्ट्रीम बाइक का थ्रोटल बॉडी है, देखिए। और थ्रोटल बॉडी का एक छोटा सा जो नीचे स्क्रू होता है RPM स्क्रू, वो खो गया है, ठीक है। तो दोस्तों इस बाइक में हुआ क्या है कि जब भी स्टार्ट करते हैं तो RPM घटता बढ़ता है, कभी ऑटोमेटिक 4 बढ़ जाता है, ऐसा हो रहा है स्टार्ट करने के बाद। तो ये मैंने इसके लिए ये पूरा थ्रोटल बॉडी को खोला है, सोचा कि चलो क्लीन करके देखेंगे। तो खोला तो देखा कि यहाँ पे इसका जो स्क्रू होता है वो नहीं है नीचे, इस जगह पर एक स्क्रू होता है वो नहीं है यहाँ पर। तो अगर ये खो जाए तो आपको यहाँ पे कौन से स्क्रू लगाना है, हालांकि हमने 8 नंबर का एक स्क्रू बोल्ट लगाया, वो नहीं हुआ। इसमें जो गुना होता है बहुत ही बारीक गुना होता है, तो हमने सोचा कि चलो हीरो होंडा बाइक का जो टैपिड एडजस्टर होता है उसको लगाते हैं, तो इसका सेम गुना मिल जाता है इसमें। तो ये देखिए यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ, तो ये देखिएगा इसको हम एलंकी के द्वारा इसको ऐसे टाइट करेंगे तो बिल्कुल अच्छा फिनिशिंग आ रहा है। तो इसी को हम यहाँ पे लगा देंगे और ये फिर सही काम करने लगेगा। इसके ऊपर जो स्लाइड चलता है वो फिर अच्छे से काम करने लगेगा। इसके द्वारा हम RPM को कम ज़्यादा करते हैं, ये वो स्क्रू है और ऊपर से ये स्लाइड लगता है, ये स्लाइड लगता है। कई बार दोस्तों क्या होता है कि ये स्लाइड घिस जाता है, घिसने की वजह से भी ये शिकायत आती है, देखिए ये घिसा हुआ भी है। तो ये लगा कर हम देखते हैं कि ये सक्सेस होता कि नहीं है। अगर ये सक्सेस नहीं होता तो फिर ये थ्रोटल बॉडी पूरा सेट बदलना पड़ेगा, तभी इसका RPM भी ठीक हो पाएगी और इससे क्या होता है कि माइलेज की समस्या भी दूर हो जाती है, माइलेज भी अगर दिक्कत होता है तो इससे दूर हो जाता है। तो चलो इसे हम लगाते हैं पूरा क्लीन करके और फिर देखते हैं कि इसका RPM भी कंट्रोल आता है कि नहीं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसका थ्रोटल बॉडी में दिक्कत है, इसका स्लाइड घिस गया है, पूरा थ्रोटल बॉडी इसका बदलना पड़ेगा, तभी यह ठीक हो पाएगी, इसका RPM अच्छे तरीके से चल पाएगा।